नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथियों। और साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। बन के दुल्हन एक दिन तुझे पिया घर जाना है, तो आज इसी गाने का ट्यूटोरियल सीखेंगे साथियों। बहन विदाई गीत है ये, और हर विवाह शादी में ये गीत बजाया जाता है, तो इसको बजाना बहुत ही आसान है। तो वीडियो को एंड तक देखना और आप इसको बजाना सीखना। कौन सा सुर आपको कितनी बार कहाँ लगाना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप एक ही दफा में बजाना सीखें। तो मध्य सप्तक की तीसरी काली से बजाना सीखेंगे, तो ये मेरा सा होगा, तो सा रे गा मा और तीव्रमा पा और ये धा, धा पा तीव्रमा शुद्धमा गा रे और ये सा और मंद्र सप्तक में नी। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम इसकी थर्ड की बात करें, तो थर्ड ये लगता है कल्याण, यानी कि इसमें माँ तीव्र है, बाकी के स्वर इसमें शुद्ध लगते हैं और शुद्ध माँ भी लगेगा, ठीक है। तो इसकी पहली जो लाइन यही है, बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है, बन के दुल्हन एक दिन तुझे पिया घर जाना है, तो ये इसका स्थाई पाठ हो जाता है। शुरुआत जो होती है इस गाने की, आप किसी बटन से बजा लो, गा से शुरुआत होती है, ठीक है। यहाँ से ये मेरा सा है तो ये गा से शुरुआत होगी, ये मेरा सा होता तो इस गा से शुरुआत होती, ये मेरा सा होता तो इस गा से शुरुआत होती। तो हम जब तीसरी गाली से बजा रहे हैं इसको, तो यहाँ से शुरुआत होगी इस वाले बटन से, ठीक है। देखिए तो क्या है, देखिए। बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है, बन के दुल्हन एक दिन तुझे पिया घर जाना है। तो ये स्थाई पाठ हो जाता है, तो आखिर में हम सा पे आ जाते हैं, ठीक है। तो अब इसको टुकड़ों में देखिए स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से। तो गा से मैंने बताया, बाबुल का ये घर बहना, तो आप क्या करेंगे, चार बार आप गा लेंगे, दो बार रे लेंगे, फिर गा लेंगे, फिर रे लेंगे और ये सा पे आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा बाबुल का ये घर बहना। बाबुल का ये घर बहना हो गया, ठीक है। अब कुछ दिन का ठिकाना है, यह कुछ दिन का, तो पहले सीखेंगे कुछ दिन का, सानी सारे, तो ये हो गया कुछ दिन का। अब ठिकाना, ठिकाना ठिकाना, यानी रे रे सा ठिकाना, यानी तीन बार फिर से लेंगे आप, रे 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 सा ठिकाना। अब है, है तो है, यानी रे गा रे सा है, ठीक है। इस तरीके से है मिला के, ठीक है। ये पहला, अब दोबारा में बन के दुल्हन एक दिन, तो सेम लाइन है यहाँ तक, फिर तुझे पिया घर जाना है। तो अभी हम इधर ना जाके इधर से लौट जाते हैं, सनी सा रे 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 गा गा रे सा सा, तो ये हो जाएगा तुझे पिया घर जाना है। देखिए ठीक है, तो यही इसका स्थाई पाठ है साथियों, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंतरे की, और ये मेल भी आवाज थी, ठीक है। अब जो इसकी फीमेल आवाज आती है, जो बहन के ऊपर कही जाती है, वो होती है हमारे यहाँ से पा से शुरू। तो ये क्या है, एक बार आपको अंतरा बजा करके दिखा देते हैं। बाबुल तेरी बगिया के मैं तो बोकले हूं रे, बस ये इसका अंतरा आता है, फिर भी स्थाई वाले बटनों बज जाता है आगे चल के। छोड़ तेरे बगिया मुझे पिया का सजाना है, छोड़ तेरे बगिया मुझे पिया का सजाना है,
ये तो वही आ जाता है जो हमने स्थाई में बजाया था, वही आ जाती है। मेन चीज जो है सीखने की अंतरिक यहाँ की है। तो क्या था? तो पहले सीखेंगे बाबुल तेरी बगिया की। तो इसमें क्या करेंगे, तीन बार आप लेंगे पा, फिर तीव्र मा लेंगे, फिर पा लेंगे, दो बार धा लेंगे, फिर पा लेंगे, और आप शुद्ध मा लेके और यहाँ गा पर रुक जाएंगे। तो ये हो जाएगा बाबुल तेरी बगिया की। देखिए ठीक है, जब लौटते में आएंगे सुरुकात में तीव्र मा लगता है, और जब दोबारा लौट के आते हैं तो यहाँ पे शुद्ध मा का यूज हो जाता है। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। तीन बार मैंने बताया पा, तीव्र मा, फिर पा, दो बार धा, फिर थोड़ा सा ठहराव है यहाँ पा पे, फिर माँ, और यहाँ गा पर रुक जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद है मैं तो बोकली हूँ रे। तो इसमें क्या करेंगे, मैं तो बोकली हूँ रे। तो भाई चार बार आप फिर से जो है गागा ले लेंगे, गागा गागा रे गारे गारे सासा। तीन चार बार गागा लेंगे, फिर रे, फिर गा, फिर रे, फिर गा, रे, और दो बार सा सा। तो ये हो जाएगा मैं तो बोकली हूँ रे। समझ गए? और मिला के किस तरह से ये, तो अगर पूरा अंतर खाली अंतरा बजाएं तो मैं तो बोका। और फिर स्थाई वाले बटनों पर हम बजा देते हैं छोड़ तेरी बगिया मुझे घर पे आका सजाना है। वही गा 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 रे गा रे सा सा सनी सा रे 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 गा रे सा रे गा रे सा। और दोबारा मैं छोड़ तेरी साथियों, इस तरीके से आप इस गीत को बजाना सीखिए। मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया है, और इसके सुर भी मैंने आपको बता दिए हैं कि ये एक दो तीन चार पाँच छः सात, और एक इधर ये बताया मैंने आपको आठ। अंतरा बहुत आसान है इसका। तो चलिए इस तरीके से आप इस ट्यूटोरियल को बजाना सीखिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।